मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इसके बाद लोग क्या सोचेंगे, मगर दी बॉयज में सोल्जर बॉय वॉज राइट। जो कि भले ही वो जान चुका था कि होमलैंडर उसका खून है और उसके पास उसका एक बेटा भी है तो वो एक फैमिली बना सकता था, मगर फिर भी उसने पत्थर का दिल बनाया और सही फैसला लिया, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा होता क्या, पावरफुल सूट्स उसके ब्लास्ट को सरवाइव कर जाते जिसके प्रभाव में उसकी शक्तियां चली जाती। तो अगर इस हिपोक्रेट ने सोल्जर बॉय को ना रोका होता तो सोल्जर बॉय सिर्फ होमलैंडर को ही नहीं बल्कि रैन को भी डीपावर कर सकता था, जिसके बाद वो सब मिलकर एक नॉर्मल लाइफ बिता सकते थे और इस चूतिए की ओरिजिन एनाकिन के रास्ते पे नहीं जाती। मैं मानता हूँ कि सोल्जर बॉय कोई भला मानुस आदमी नहीं था, बट एटलीस्ट वो इन सबसे लॉजिकली सोच रहा था। इससे कहते हैं प्रोफेशनलिज्म।